नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में मैं हेमंत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ कार्यालय जिला कोषालय जिला बालोद तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो है जो कि सीधी भर्ती के लिए भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है, जहां पर 3/10/2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। दोस्तों, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आ नोटिफिकेशन जो बेल के आइकन है उसको दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी बालोद छत्तीसगढ़ की तरफ से सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जो कि आपको यहाँ पर से देखने को मिल रहा है। उसके बाद आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है 31/10/2022 को शाम को 5:30 बजे रखा गया है। आवेदन पत्र को केवल आपको स्पीड पोस्ट हो या रजिस्टर डाक के माध्यम से ही स्वीकृत किया जाएगा। तो इसको आप लोगों को चाहिए कि बहुत ही जल्द आपका 31/10/2022 तक पहुंच जाए, स्पीड पोस्ट जल्दी से जल्द कर देना है, या तो फिर आप रजिस्टर्ड डाक भी कर सकते हैं। ये भी एकदम नियमित पद है, सीधी भर्ती है, इसके लिए कोई दो मत नहीं है। आपको सिर्फ आप कहीं से भी हो, कोई से भी जिला से हो, आप इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है, इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर मूल जो पद है, यहाँ पर जो वृत्त है, सिर्फ एक पद दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोगों को एक ही पद है तो इसमें फॉर्म नहीं भरते, ऐसा नहीं है। आप लोग इस फॉर्म को जरूर से भरिए। यहाँ पर वेतन मान जो है, कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एक पद है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो यहाँ पर मुक्त के लिए है, योग जो है एक पद देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेतन मान जो है अच्छा खासा 15,600 रुपये से 49,400 रुपये तक होने वाला है। और शैक्षिक योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों का कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होने के साथ में अगर आपका आपके साथ मूल निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए छत्तीसगढ़ का, और उसके बाद राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि इसकी जो आयु सीमा है, तो आयु सीमा जो है 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो है जो भी छूट मिलता है उसको आप लोग बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। जो जो मुख्य बातें हैं उसको अगर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको 3 वर्ष के लिए परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। प्रथम वर्ष में आपको 70% वेतनमान प्रदान किया जाएगा, उसके बाद द्वितीय वर्ष में 80 और तृतीय वर्ष में 90% आपको वेतनमान भुगतान किया जाएगा। उसके बाद आपका जो पूरा जो है आपका वेतन जो है आपको प्रदाय किया जाएगा। ये परीक्षा अवधि है, इस अवधि में आपको इतना वेतनमान प्रदान किया जाएगा। जितने भी चयनित अभ्यर्थी है वो आपका जो प्रस्तुत शैक्षिक योग्यता जाति प्रमाण पत्र पत्र फर्जी पाए जाने की दशा में चयनित अभ्यर्थी को सूचना दिए बिना उसकी जो सेवा है उसकी समाप्ति कर दी जाती है। ये आप भलीभांति जानते हैं, किसी प्रकार का आप जो है यहाँ पर कोई भी जो आप कह सकते हैं कि फर्जी तरीके से आप भर्ती के लिए आवेदन ना लगाएं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा जो नियम एवं शर्तें दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग इसके अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जो है इनके कार्यालय में जाकर के भी देख सकते हैं, या तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यहाँ पर balod.gov.in पर देख सकते हैं। विज्ञापन 1/10/2022 को इसका जारी हुआ और आवेदन जो है 31/10/2022 को। डाक की गड़बड़ी के लिए विभाग की जवाबदारी नहीं होगी, इसलिए आप लोग जो है निजी कुरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और लिफाफे के ऊपर भृत्य पद के लिए आवेदन पत्र जो है आपको अवश्य रूप से लिख लेना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर के भी देख लीजिए। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि ग्रेड है तो हम किस प्रकार से इसका निकालेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो कक्षा 5वीं के प्राप्त अंक को 100% भारांश अंक प्रदान करते हुए रित्य सूची तैयार किया जाएगा, अर्थात जितना अंक आपका प्राप्त अंक रहेगा उसी का आपका 100% निकाला जाएगा। उसके बाद जो 5वीं के अंक सूची प्रतिशत के स्थान पर अगर ग्रेड अंकित है तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदाय किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण आपको
बताया गया है कि आवेदक को पांचवी में ए ग्रेड मिला है तथा ए ग्रेड 80% से 90% तक हो सकता है, तो उस आवेदक के अंक को 85% मानकर गणितीय सूची तैयार किया जाएगा। इस प्रकार से आपको बताया गया, ये जो है ग्रेडिंग है जो आप लोगों को देख लेना चाहिए। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि कितना परसेंट होगा, हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को लिखा गया है। दोस्तों ये रहा, अब इसका जो आवेदन पत्र का जो प्रारूप है उसको आप लोग देख लीजिए। वृत्त पद के लिए नियुक्ति हेतु जो आवेदन पत्र है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखना है प्रति जिला कोषालय अधिकारी कलेक्टर परिषद सिवनी बालोद, जिला बालोद, पिन नंबर दिया है 4921226। यहाँ पर आपका आपका स्वयं का हस्ताक्षर और आपका फोटो, और इस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। दोस्तों ये तो रहा एक पद के लिए, वित्तीय पद के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में बालोद से आया हुआ है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।